कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार जोहार। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के इस अंक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारी, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के किसान चारा उत्पादन के लिए ले सकते हैं अनुदान। राज्य में उद्यानिकी विकास कार्यों के लिए अनुदान पर कई सुविधाएं हैं उपलब्ध। असिंचित गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद C306। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी ऊपरी जमीन में बहुवर्षीय चारा उत्पादन के लिए चारा विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें आधा एकड़ और एक एकड़ में नेपियर घास, सहजर चारा और हाइड्रोफोनिक विधि से चारा उत्पादन के लिए अलग अलग अनुदान की सुविधा है। इस योजना से लाभ लेने के लिए हजारीबाग के किसान या दूध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग में 25 नवंबर 2017 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। राज्य बागवानी मिशन की ओर से झारखंड में उद्यानिकी विकास कार्यों के लिए किसानों को अनुदान पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें सभी सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से 50% अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसान इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सूकर पालक भाई जाड़े के मौसम में रात के वक्त सूकरों के आवास के खिड़की दरवाजे को बोरा या प्लास्टिक से ढक दे, लेकिन दिन के समय खिड़की दरवाजे को खोल कर रखे ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। इसके अलावे सूकरों को पीने के लिए हल्का गर्म पानी दें। जब कड़ाके की ठंड पड़े और शीतलहरी चले तो सूकरों के आवास को रात के समय जरूर ढक देना चाहिए, लेकिन दिन के समय भी खिड़की दरवाजा बंद रहेगा तो कमरे के अंदर बनने वाले गैस से सूकरों का दम घुट सकता है, इसलिए दिन में खिड़की दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। इसके अलावे पीने वाले ठंडे पानी से सुकरों को ठंड ना लगे, इसके लिए उन्हें गर्म पानी पीने के लिए देना चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर आप देखें तो सुकर का जो आवास है उसमें आपको थोड़ा सा धूप आना जरूरी है, इसलिए धूप आना जरूरी है कि चारों तरफ से अगर बंद रहे तो उसमें जो गैस प्रोडक्शन होता है कि ठंड ज्यादा रहता है उससे सुअर का बच्चे का ज्यादा प्रकोप पड़ता है और बच्चा मर भी सकता है। तो किसान भाइयों, पहले तो आपने ढक दिया था, लेकिन जब धूप आता है जरूर आप ढक्कन उठा दीजिए। तो ढक्कन उठाने से उसमें धूप आएगा कि उसमें हवा चलते रहेगा तो उसका अंदर जो फ्रेश एयर है ये मिल जाता है तो उससे परेशानी कम हो जाता है। दूसरी बात है कि उसका जो पानी है वो पानी तो आप जरूर दीजिएगा और थोड़ा सा गर्म करके, तो उसको सुअर का उसी में आपका हो सके तो नलका का पानी जरूर दीजिए जिसमें ठंड कम होता रहे। राज्य के जो किसान गेहूं की खेती करना चाहते हैं और उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वे 15 नवंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद C306, K8027, HRDR77 या K8962 लगाएं। किसान भाई, असिंचित खेतों में गेहूं की बुआई के लिए 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में बीज से बीज की दूरी 22 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद C306, K8027, HDR77 या K8962 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए आज हम जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो और सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूँ 2100 रुपए से 2500 रुपए, चना 5500 रुपए से 6200 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 6600 रुपए से 7400 रुपए, सरसों तेल 9300 रुपए से 10400 रुपए, चीनी 4100 रुपए से 4250 रुपए, आलू 600 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। किसान भाइयों, जानकारियां अभी और भी है जो हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। झारखंड के किसान ढिंगरी और बटन मशरूम की खेती भी करते हैं, और वैसे किसान जो ऐसी खेती करना चाहते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये जानकारी उनके पास ज़रूरी है कि वो किस तरीके से खेती करें ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए ये हम आपको जानकारी देंगे, और इसके लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। आज हम जानेंगे कि ढिंगरी और बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। ढिंगरी और बटन मशरूम की जब बात करते हैं तो झारखंड प्रदेश में मशरूम की खेती कितनी ज़्यादा अपेक्षित है? झारखंड में मशरूम की खेती की असीम संभावना है, और मशरूम की कुछ प्रजातियां हैं जिन्हें अगर लिया जाए तो कहूँ बस सालों भर आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो इसमें जैसे झारखंड की प्रजाति है जिसको कि एक हम लोग ढिंगरी, वाइस्टर या खुम्भी के नाम से जानते हैं, दूसरा है आपको बटन मशरूम के नाम से जानते हैं, तीसरा है जिसको कि हम लोग मिल्की मशरूम के नाम से जानते हैं, और चौथा है जिसको कि हम लोग धान पुआल मशरूम के नाम से जानते हैं। तो ये चार प्रजाति है मशरूम की जिसकी खेती झारखंड में की जा सकती है। और वाइस्टर जिसको कि ढिंगरी कहते हैं, इसकी खेती आपको बरसात गिरने से जून से लेकर के फरवरी तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। और जहाँ तक बटन मशरूम जिसको कि एगेरिकस स्पेसिस कहा जाता है, तो बटन मशरूम की खेती का सवाल है, तो अगर आपके पास लैब फैसिलिटी है और आप कंपोस्ट बना पाते हैं तो झारखंड में आप इसकी खेती नवंबर से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं और 2 से 3 क्रॉप इसका ले सकते हैं। वास्टर अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारे किसान भाई प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता होती है और बीज कहाँ से लाएंगे इसके बारे में? झारखंड में वाइस्टर और मिल्की मशरूम इसकी खेती अधिक हो रही है। आप देखेंगे तो मार्च के बाद किसान भाई जो है वो एक दो महीने वो अप्रैल से जुलाई तक जो है वो मिल्की मशरूम की खेती करते हैं, जिसको कि हम लोग दुधिया मशरूम भी कहते हैं। और
जहाँ तक मशरूम उत्पादन की बात है तो ये बहुत कम लागत तकनीक है और इसमें किसान भाई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें है कि जो कृषक महिलाएं हैं वो भी इसको बखूबी कर सकती हैं और अपने उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसमें है कि अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसकी खेती हम कैसे करें। तो अगर हम ढींगरी या वेस्टर मशरूम की बात करते हैं तो इसका पहचान ये है कि ढींगरी कान के आकार का होता है, कान, तो इसीलिए इसको वेस्टर मशरूम कहा गया है। और इसमें जो है आपको इसके बीज जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मशरूम के बीज को हम स्पॉन के नाम से जानते हैं, या फिर एक नामकुम में पलांडू में एक अनुसंधान केंद्र है ICR का, वहाँ से भी आप इसके बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बीज समय से उपलब्ध है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके फार्म के प्रोड्यूस हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि धान का कुट्टी हुआ, गेहूं का भूसा हुआ, इसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, और इस पे ही हम लोग इसकी खेती करते हैं। लेकिन आपने बात बताई कि अभी ये बरसात का मौसम में लगाने का है, तो अगर सावधानी की बात करें तो सावधानी में विशेष हमारे किसान भाई क्या क्या करेंगे? पहले तो किसान भाई इसको उगाने का तकनीक हम लोग जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है, फिर उसमें क्या क्या हमको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो पहले है कि किसान भाई पुआल जो है वो धान पुआल हो चाहे गेहूं की कुट्टी हो, वो 2 से 2.5 इंच का होना चाहिए। उस कुट्टी को काट लीजिए, उसको मान लीजिए कि कुट्टी को जब काट लिए उसके बाद उसको आप सुतली वाले बोरा में भर करके 10 किलो एक बोरा में भर करके रख लीजिए और एक पानी के नाद में उसको रात भर फूलने के लिए दे दीजिए। और उस पानी के नाद में जब पानी रहेगा तो 100 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम वेबस्टीन चाहिए और आपको एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मलिन होता है, वो चाहिए। तो फॉर्मलिन और इसका 100 लीटर पानी में डालने के बाद उसको शोधन किया जाता है, ताकि उसमें अगर मान लीजिए कि कीड़े के कुछ कण हैं या उस फफूंद के हैं कुछ कण हैं तो वो उसमें ना रहें। उसके बाद जब रात भर फूलने के लिए उसको छोड़ देते हैं, सोकिंग के लिए छोड़ देते हैं, उसके उपरांत क्या होता है कि वो आपको उसमें पानी रहेगा, वास्तविकता है कि पानी रहेगा, तो उसको निकालते हैं और पानी को निकलने के लिए छोड़ देते हैं। जब देखते हैं कि वो सुतली वाले बोरा से पूरा पानी रिस के निकल गया तो फिर हम उसको निकालते हैं और छायादार जगह पे उसको, साफ़ जगह पे उसको फैला देते हैं ताकि उसका और पानी जो है और ख़त्म हो जाए। और पानी उसमें नहीं है, इसका पहचान क्या है कि आप मुट्ठी में उसको भूसा को लीजिए और उसको दबाइए। अगर पानी का बूंद चू रहा है तो सोचिए कि अभी और सूखने का उसमें आवश्यकता है, जिसको कि हम लोग पाम टेस्ट कहते हैं। अब जब आपका ये पाम टेस्ट हो गया तो अब आपका ये तैयार है, अब बीजा के लिए ये तैयार है। तो मशरूम को बीजा के लिए तैयार करने के लिए आपका ये आपका भूसा तैयार हो गया, अब या कुट्टी तैयार हो गया। अब इस कुट्टी में आपको बीजा करना है, तो बीजा करने से पहले आपको अपने हाथ को, ये सावधानी जो बरतनी है, अपने हाथ को आप स्पिरिट से पोछ लें। जिस बर्तन में आप बीजा को डालेंगे, स्पॉन को डालेंगे, उस बर्तन को भी आप पोछ लें और एक लकड़ी का टुकड़ा जो है या आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, उसको भी ठीक से साफ़ कर लें। इसके उपरांत क्या है कि अब एक पॉलीथीन का बैग आता है, जो कि आपको विभिन्न आकार के हैं। तो अब हम उसमें बिजाई जो करेंगे, तो बिजाई 2 तरह का होता है, एक होता है सतही बिजाई, एक होता है संपूर्ण बिजाई। सतही बिजाई जो, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉलीथीन में एक लेयर में 5 mm तक जो है पहले उस कुट्टी को रख देते हैं
उसके ऊपर जो है अब लेयर में हम बीजा को डालते हैं, फिर 5 mm का लेयर, फिर भूसा का डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये डालते हैं बीजा डालते हैं। इस तरह 3 बार जब लेयर हो जाता है तो उसके बाद पूरे ऊपर पूरे सरफेस पे सतह पे फिर बीजा को डाल के फिर उस पे वो कुट्टी फैला देते हैं। उसके बाद उसके दूसरे अंत को, दूसरे एंड को हम लोग क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं। बांधने के उपरांत उसमें वो जो पेंसिल जो बताया गया था उससे हम 10 से 15 जगह छेद कर देते हैं ताकि उसमें जो है वो हवा का आवागमन बना रहे। तो ये हमारा बीजाई हो गया। अब इसके बाद एक ऐसा कमरा का चयन करते हैं जिसमें कि रोशनी नहीं हो और उस कमरे में हम लोग आर्द्रता का पूरा व्यवस्था करते हैं, प्रकाश वाले दूसरे कमरे में डालते हैं। और अब उसको ऊपर से प्लास्टिक का जो चीरा है उस प्लास्टिक को चीरा देके निकाल देते हैं और किसी ऊंचे सतह पे या आपका स्टैंड बना है तो स्टैंड पे भी उसको रख देते हैं। तो अब उसमें अब जो है वो हम उसके बाद उस पर भी स्प्रे मशीन से पानी का छिड़काव करते हैं, नमी पूरी बनी रहे पूरे रूम में, ये ध्यान रखने की बात है। तो 3 से 4 दिन जब छिड़काव करेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक पिनहेड अवस्था है, जो पिनहेड अवस्था निकलना शुरू होती है। तो पिनहेड अवस्था जब आपका आ गया तो अब डायरेक्ट जो है उस पुआल वाला जो आपका ये था मशरूम वाला उस पर हम पानी डायरेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन नमी बनी रहे इस पर तो 5 से 7 दिन में देखेंगे कि वो पूर्ण फूल फल के रूप में विकसित हो जाता है। और तो उसको हम एक बार ऐसे कट और एक बार फिर दाएं मोड़ते हैं फिर बाएं मोड़ते हैं तो अपने वो निकल जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं फिर उसको बाज़ार में बेच देते हैं। तो ये सही तरीका है। और इसमें है कि जब आप तोड़ लेते हैं उसके उपरांत फिर उस पे बैग पे पानी देते हैं तो फिर आपको जब ये पिनहेड स्टेज शुरू होता है फिर उस पर पानी देना बंद। तो आप 2 से 3 बार आप उसको तोड़ सकते हैं। और इसमें अगर 1 किलो का है तो उसमें आपको 1.5 किलो तक का ये आ जाता है। यही है वैज्ञानिक खेती कैसे मशरूम का करें। धन रहते हुए भी कम पूंजी लगाते हुए भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा भी होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी, महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। किसान भाइयों जानकारियां अभी और भी हैं जो हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम लेंगे एक और छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों हम जानते हैं कि आप फसल के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं, तो अगर मुर्गियों में रोग लग जाए तो हम कैसे उनका बचाव करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मुर्गियों को जो है वो रोग लग गए हैं और उसे हमें कैसे बचाना है, ये जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है। तो चलिए ये हम आपको जानकारी देंगे और इसके लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों आप खेती किसानी के साथ और भी काम करते हैं जैसे पशुपालन, और उसके तहत आप मुर्गी बकरी गाय तमाम चीज़ें रखते हैं, लेकिन आपको यह जानना ज़रूरी है कि अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपकी मुर्गियों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनसे कैसे आप बच सकते हैं। मुर्गी पालन का स्वरूप जो है काफ़ी बदल चुका है, इसको व्यावसायिक रूप भी दे दिया गया है और कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनको कि हमारे गाँव घर के किसान जो है बैकयार्ड में भी पालते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो इस समय मुख्य रूप से क्या समस्याएँ हो सकती हैं, चाहे वो कमर्शियल फार्मिंग जो कर रहे हैं उनको या बैकयार्ड में। ये मुर्गियों में जो बीमारियां होती हैं वो खासकर विषाणु और जीवाणु, बैक्टीरियल और वायरल होती हैं। वायरल का उपचार विषाणु का उपचार नहीं है, बैक्टीरिया का हम लोग उपचार कर लेते हैं।
किसान भाई जो कमर्शियल जो आपने बात की है, वो जैसे मांस के लिए हम लोग करते हैं, तो मांस के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वायरल डिजीज़ का, तो दो है, एक रानी खेत बीमारी होती है टुनके झुनके जो कहते हैं, और दूसरा गम्बोरो बीमारी। ये दोनों का वायरल होने के कारण इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन है, तो हम लोग उसका वैक्सीन कर लेते हैं। दूसरा एक है कि कुछ किसान भाई अंडा उत्पादन के लिए भी रखते हैं, तो उसमें भी दोनों बीमारियां होती हैं, वायरल और बैक्टीरियल, लेकिन उसमें गम्बोरो नहीं होता है। तो जो किसान भाई कमर्शियल रूप में मांस के लिए जो रख रहे हैं, उसके लिए चौथे दिन में जब चूजा आप लाए, उसका जब उम्र चौथा दिन हुआ, तो उस दिन हम लोग पहला टीकाकरण करते हैं, जो रानीखेत बीमारी या टुनकी झुनकी बीमारी जो होती है, उससे रोकथाम के लिए हम लोग पहला दिन चौथे दिन में करते हैं। उसका हम लोग का वैक्सीन एक 100 डोज, 200, 500, 1000 का आता है, जिस तरह का आपके पास है उस तरह से हम लोग रख ले के आएँ, और एक बूंद आँख में या नाक में डालें, एक ही बूंद डालना है एक चूजा में जी। तो उस एक से चार दिन के बीच में चौथे दिन के वो जो उम्र होती है उसमें, तो उसमें डालने से कि वो रानीखेत से लड़ने के जो रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और वो रानीखेत नहीं होता, 3 महीने तक वो नहीं होता है। तो ये दो चूजा जो है मांस के लिए या अंडा देने वाले हैं, ये दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब मांस के लिए केवल हुआ तो गम्बोरो का हम लोग करेंगे। गम्बोरो में 14वें दिन, जब 14 दिन का उम्र हो जाए उस चूजे का, तो उस दिन फिर वह टीका गम्बोरो का टीका लाकर आँख में या नाक में एक बूंद दे देंगे, तो वो गम्बोरो नहीं होगा। ये दोनों बीमारी बहुत ही छूतछात की बीमारी है और बहुत ही गंभीर है। 100% 100% मुर्गियों में होती है और 90 से 95% मुर्गियाँ मर जाती हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके करने से वो दोनों हो जाते हैं, रोग बच जाता है। और उसके बाद जो किसान भाई हैं 28 दिन में 30 दिन में या 35 दिन में वो अमांस वाली मुर्गी को बेच देते हैं, तो ये विषाणु से हम लोग ये टीकाकरण करते हैं सर। ये तो लेकिन जो बैकयार्ड में हमारे ग्रामीण किसान भाई जो करते हैं, और अब तो कई सारी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं हमारे विश्वविद्यालय से भी जिनका वो पालन कर रहे हैं, तो उनको भी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बैकयार्ड में जिसमें अंडा हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो वो उसमें हमने जो बताया कि पहला तो रानी खेत का दीजिए, गम्बोरो उसमें नहीं होता इसलिए नहीं देना होता है। फिर जो हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे जगह पे जो उपलब्ध है, वो चेचक की बीमारी का टीकाकरण उपलब्ध है। तो चेचक तो वैसे सभी 100% मुर्गियों में हो जाती है, लेकिन मृत्यु दर कम है। लेकिन मृत्यु उसमें ये होती है कि जो चेचक का जो दाना निकलता है उसके सर में और आँखों के पास रहता है, जिससे आँख बंद हो जाते हैं और दिखाई नहीं देता है और वो खाना नहीं खाने पाता है। इसलिए चेचक का टीकाकरण कर देना चाहिए। और चेचक का टीकाकरण करने के लिए टीका पानी जैसे रहता है, उसको एक पंख उखाड़ने से वहाँ पर एक घाव बन जाता है, चमड़ा बाहर निकल जाता है, वहीं पर एक बर्ड से जो ईयर बर्ड होता है या माचिस के तिल्ले में थोड़ा सा रुई लगाकर वो वैक्सीन लेकर अब वो जहाँ पर आप उखाड़े हैं वहाँ पर लगा दीजिए, तो इससे घाव की जगह पे जहाँ से पंख अपने वो हटाया है, तो इससे उस चेचक की बीमारी का टीकाकरण हो जाता है। तो हम और उसके बाद जो बैकयार्ड फार्मिंग में बात कर रहे हैं, रानी खेत की जो हमने पहले बताया कि जो चौथे दिन में हमने किया था वो 3 महीने तक रहती है, तो हम लोग को फिर 3 महीने के बाद रानी खेत बीमारी का टीकाकरण करना हो, तो उसमें है कि अगर R2B उसका नाम होता है, और वो इंजेक्शन हम लोग देते हैं, वो डैना के मांस में 0.5 ml उसका वैक्सीन का इंजेक्शन दे देते हैं। ये वेट के अकॉर्डिंग होता है जी? नहीं, वो उम्र में है, उम्र जो 3 महीने हो गए उसको हम लोग टीकाकरण कर दिए, तो 1 साल तक हम उसको उससे रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है, और ज़्यादातर मुर्गियां 1 साल तक ही अंडा देती हैं, उसके बाद उसको हम लोग को हटा देना चाहिए। क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, अब नवम्बर का महीना आ रहा है और थोड़ी ठंड भी बढ़ेगी, तो क्या आवास और आहार में भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़े? हाँ, अभी जो आवास जो है वो जो ये हवादार आवास होनी चाहिए। हवादार मतलब कि जो उनका जो कमरा होता है वो उसके जो खिड़कियाँ होती हैं एकदम ठीक आमने सामने होती है, और 5 फीट की खिड़कियाँ रहती हैं, जालीदार खिड़कियाँ रहती हैं, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं रहता, उससे जिससे कि हवा बढ़ती रहती है। और
जो धूप भी है वो भी आते रहता है। तो हम लोग जो आवास व्यवस्था जनरली रखते हैं उत्तर दक्षिण में, जिससे कि खिड़कियां जो हैं वो पूरब पश्चिम में आ जाए, तो हवा भी पूर्वा और पश्चिमा चलते हैं जिसके कारण हवा निकल जाती है और धूप भी सुबह शाम में आता है जिससे वो पूरा स्टरलाइज हो जाता है पूरा, उससे रोग के कीटाणु मर जाते हैं। और अभी का जो मौसम जो आपने बोला कि अभी जो जाड़ा आ रहा है, अभी जो मौसम चेंज कर रहा है, इस समय CRD बीमारी होने के, निमोनिया के बीमारी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो उसमें किसान भाई अगर मुर्गियों के फार्म में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि चूजों का आवाज़ में कुछ बदलाव आ गया है, तो एक चूजा को उठाकर उसका नाक को दाबेंगे तो नाक से पानी निकलेगा, चोंच को अगर दाबेंगे तो नाक से पानी निकलता है, इसका मतलब है कि वो CRD बीमारी हो रही है। तो उसके लिए हम लोग दवा उसका तुरंत करवा के उसका हम लोग उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि कब कब जो है आपकी मुर्गियों को टीका देना ज़रूरी है, साथ ही जो ग्रामीण भाई हमारे बैकयार्ड में रख रहे हैं अपने पिछवाड़े में या आंगन में मुर्गियां पालते हैं, आपको भी टीका करवाने की ज़रूरत है अपनी मुर्गियों को, जिससे कि वो रोग से बच सके। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। किसान भाइयों, देखिए आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, हमेशा की तरह हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी ही जानकारी लेकर हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। और आप सभी को पूरी टीम की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।